जय हिंद दोस्तों, मैं पप्पू कुमार सर, फिर से स्वागत है आपके अपने टारगेट इंडियन आर्मी चैनल पे। दोस्तों आज की जो एक्साइज होने वाली है, आज की टॉपिक होने वाली किसकी होने वाली, किस नौकरी की समस्या कैसे लोगों को आ जाती है और कैसे क्या होता है जब रनिंग करने से बच्चे क्या होते हैं गिर जाते हैं। जैसे जब नौकनी की समस्या आपकी आएगी, जब घुटने एक से एक मीटर, नौकनी के मतलब क्या होता है, जैसे आपका पैर ऐसे रहता है ऐसे, इससे क्या बोलते हैं, जैसे आप रनिंग कीजिएगा ना तो आपका ये जो पैर होता है घुटना होता है क्या होता है, दौड़ते टाइम लड़ता है अपने आप थक थक। इसमें आपकी अगर रेस बन भी जाती है तो क्या करेंगे, इंडियन आर्मी के मेडिकल में आप छट सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना होगा, ये नौकनी की समस्या कैसे आ जाती है बच्चों को, जब वो छोटे होते हैं तो कहीं ना कहीं फूडीज होते हैं। फूडीज मतलब समझते हैं आप लोग कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो घर के लोग भी बोलते हैं बाबू खाना खा ले खाना खा ले, तो बच्चे इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कहीं ना कहीं वो हेल्दी हो जाते हैं। हेल्दी होने के कारण उनका घुटना क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। इससे क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम आती है नौकनी की दोस्त। नौकनी की समस्या को कैसे ठीक किया जाता है, नौकनी की समस्या को घर पर भी आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज होने वाली है नौकनी की समस्या के लिए, अगर आप रनर हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है आपकी नौकनी की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए। सबसे पहली एक्सरसाइज दोस्तों आपको कार्डियो करना होगा, आपको स्ट्रेच करना होगा शरीर को। आपको पता है कि हम लोग जब रनिंग करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं शरीर को, कार्डियो करते हैं, जंप करते हैं, उसके बाद से अपने जो शरीर का एक्टिव हो जाता है, हमारा शरीर पैर एक्टिव हो जाता है, उसके बाद रनिंग करना चालू करते हैं। बहुत से बच्चे ग्राउंड पे क्या करते हैं कि आते हैं तुरंत कपड़ा वपड़ा चेंज किए और रनिंग करना है कि चालू कर दिए। दोस्त ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपना शरीर को पूरा स्ट्रेच करना है, पूरी तरह स्ट्रेच करने के बाद आपको रनिंग करना चालू कीजिए। रनिंग करने के बाद से आपको क्या करना है, नौकनी की समस्या अगर आ रही है सबसे पहली टॉपिक क्या होने वाली, नौकनी की समस्या के लिए आपको शरीर को स्ट्रेच करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करना है। थोड़ा सा पास में आइए, एक्सरसाइज क्या करना है, पैरों को एकदम 30 डिग्री के कोण बनाना है। आपको पता है कि हम सावधान में रहते हैं तो ऐसे रहते हैं, ठीक है, तो सेम उसी प्रकार 30 डिग्री के कोण को पैर को बनाना है, हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पैर हाथ को पूरा घुटने के अंदर लाना है, ठीक है। कैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख सकते हैं, बस ऐसे ही आपको हाथ को एकदम क्लोज करके रखना है, सेम ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा, जब हम जैसे ही यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाने के बाद से हमारा सारा बल कहाँ हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो पैर को कहाँ करना है, ऐसे ठकेलना है हाथ को ऐसे, ठीक है, जितना हो सके उतना। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो कैसे करना है, हाथ को थोड़ा सा क्लोज करना है आपने, और कहाँ जाना है, आपको हाफ मिडल पे जाना है, देख सकते हैं ना, हाफ पे आऊँ मैं, बस इसको क्या करना है, हाफ पे रखना है, बस ऐसे, फिर तुरंत उठना है। जैसे हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारा किस पे बल आएगा, घुटने में बल आएगा। कहीं ना कहीं हमारी नौकनी की समस्या को अनलॉक करने का कारण यही है, जैसे हम जितना ही हो सके उतना ही करें। अगर आपसे नहीं हो रहा तो एक ईंट लीजिए, आप सबसे पहले ईंट को रखिए, रखने के बाद इस ईंट को ऐसे लगाइए और आप अपना पैर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, लग गया हमारा पैर। लगने के बाद क्या करना है, आपको अगर नहीं हो पा रहा है फिर से, और ये पैर हमारा हिलेगा नहीं, ना उधर जाएगा ना इधर आएगा, सेम उसी प्रकार का करना है आपको। देख रहे हैं दोस्त, सबसे आप तीसरी हमारी एक्सरसाइज क्या होने वाली है आपको दिखाता हूँ, क्या करना है आपको, आपको ऐसे बैठना है, बैठने के बाद से आप पैर को पूरा रिलैक्स कर लेना है पहले, क्योंकि आपने अभी क्या किया है, कार्ल एक्सरसाइज किया है। पैर को रिलैक्स करने के बाद से आपको इस मसल पे जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने पैरों को पकड़ना है। जैसे हम लोग जिम जाते हैं तो चेस्ट की एक्सरसाइज करने के बाद से बटरफ्लाई करते हैं, सेम उसी प्रकार क्या करना है, जब आप रनिंग कर ले रहे हैं, ये वाली एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बटरफ्लाई मारना है, कैसे, ऐसे पकड़ना है इसको, अब पूरा पैर को ऊपर लाना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो किसी दोस्त की सहायता लीजिए, उसको बोलिए ये पकड़ने के बाद इस पैर को यहाँ दाबे और यहाँ दाबे, इससे क्या होगा कि हमारी नौकनी की समस्या होगी थोड़ा सा कम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगी, अगर आप इसको नियमित तरीके से फॉलो करते हैं। तो आराम से देख सकते हैं, ये करने के बाद से पैर को फिर रिलैक्स करना है। आपको पता है कि वो करने के बाद पैर को हमने ऐसे रिलैक्स किया, उसके बाद ये बटरफ्लाई करने के बाद पैर को कैसे अपने हाथ से रिलैक्स करना है, कैसे, ऐसे आप देख सकते हैं दोस्त। देख लिए ना, ऐसे रिलैक्स करने का। फिर आप तीसरी एक्सरसाइज हमारी यानी तीसरी एक्सरसाइज क्या होने वाली है, आपको पैर को क्या करना है, सीधा खोलना है ऐसे, ठीक है। खोलने के बाद क्या करना है, अपने हाथ को सीधा स्ट्रेच रखना है, इस पैर पैर को ऐसे पूरा बल क्या करना है, इस वाले पोर्शन पे लाना है, ठीक है। फिर आप जब से आएंगे पूरा बल किस पे लाना है, इस वाले पोर्शन पे। ध्यान रहे, जब आप खड़ा होकर इधर आ रहे हैं तो इस वाले पोर्शन को क्या करना, सीधा डायरेक्ट कर देना है, देख सकते हैं। इससे क्या होगी, हमारी नौकनी की जो समस्या है जड़ से ख़त्म हो जाएगी दोस्त, अगर आप इसको नियमित तरीके से फॉलो करते हैं कम से कम 30 से 35 दिन। दोस्त इसको करने से आपकी जो नौकनी की समस्या बचपन से आ रही है
तो जड़ से ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसको रनिंग के बाद अपने एक्सरसाइज में साझा करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बने रहे हमारे चैनल पर और देखते रहे हमारे चैनल टारगेट इंडियन आर्मी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।